ध्यान दो. दिस इज द सिंटैक्स ऑफ सीएसएस. H1 इज अ सिलेक्टर. H1 जैसे बहुत सारे टैग्स है जिनको हम लोग सिलेक्टर बोलेंगे. जो भी आप HTML में टैग यूज कर रहे हैं वो सारे जो टैग है जिनको हम लोग CSS अप्लाई कर सकते हैं वो सारे है हमारे सिलेक्टर. उसके बाद कलर दिया है मैंने, कलर एज अ ब्लू एंड बैकग्राउंड कलर एज अ रेड. तो कलर मतलब कोलन की जो लेफ्ट साइड है वो है मेरी प्रॉपर्टी एंड राइट साइड जो है कोलन के वो है मेरी वैल्यू. तो कलर इज माय प्रॉपर्टी एंड ब्लू इज वैल्यू व्हिच इज असाइन टू द कलर प्रॉपर्टी. अगेन बैकग्राउंड कलर इज अ प्रॉपर्टी एंड द रेड इज द वैल्यू. सो रेड कलर इज अप्लाई टू द बैकग्राउंड कलर. ओके, ये है सिंपल सिंटैक्स ऑफ सीएसएस. After that, if I want to apply multiple property to the H1, okay? If I want to apply multiple property to the H1, then what I can do? So, see here. For example, H1 is the single element. And for H1, that we have given two properties, okay? So, how to differentiate that this is two properties? तो दो प्रॉपर्टी जब आप यूज कर रहे हो तो उसको आप सेमी कोलन से डिफरेंशिएट करते हो. ठीक है, जब आपको दो से ज्यादा, दो तीन चार पांच जितने भी प्रॉपर्टीज आपको उसको लगाने हैं वो आप लगा सकते हैं. बट आपको उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, यूजिंग सेमी कोलन. ओके, एंड प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू के बीच में हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो है कोलन. क्लियर है यहां तक? Yes guys, clear है? Okay, तो ये हुआ हमारा H1 का, सॉरी हमारा CSS का जो सिंटैक्स था वो. Okay, can I move now? मैं आगे जाऊं? ओके, बाद में हमें जो देखना है वो है सीएसएस के टाइप्स, कि हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन सीएसएस. ओके, सो द टाइप्स ऑफ सीएसएस इज एज फॉलोज. टाइप्स ऑफ सीएसएस, इसमें फर्स्ट है इनलाइन सीएसएस, सेकेंड है इंटरनल सीएसएस एंड द थर्ड वन इज इनलाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सीएसएस. ओके, टाइप्स ऑफ सीएसएस, थ्री टाइप्स ऑफ सीएसएस है जो हम लोग यूज कर सकते हैं. उसमें है टाइप ऑफ सीएसएस, फर्स्ट इज इनलाइन सीएसएस, सेकेंड इज इंटरनल सीएसएस एंड थर्ड इज एक्सटर्नल सीएसएस. ओके, ये इसमें क्या एग्जैक्टली डिफरेंस है वो मैं आपको बाय प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाली हूँ. ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे द टाइप्स ऑफ सिलेक्टर. So the type of selector are, first one is class and the second one is ID. Okay, हम लोग type of selector use कर सकते हैं as a class and ID. आप selector, selector आप इसे H1 elements को भी selector बोल सकते हैं. तो ये H1 यानी कि वो HTML के selector है. Okay, ये है HTML के selector and ये जो selector है ये पूरे types of selectors in CSS. ये CSS के सिलेक्टर्स है जो यूज करके आपको ये सारे जो टाइप्स है CSS के वो परफॉर्म करने. ठीक है, तो वो मैं टाइप्स में क्या डिफरेंस है, एग्जैक्टली हाउ टू अप्लाई इनलाइन CSS, हाउ टू अप्लाई इंटरनल एंड हाउ टू अप्लाई एक्सटर्नल CSS, ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाने जा रही हूँ. ठीक है, यहां तक सब क्लियर है? कैन आई मूव? ओके okay, so I am moving on to the sublime part now.
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं सबलाइन पे जा रही हूँ। सबलाइन में मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट की है, वो न्यू फाइल मैं एक बार सेव कर लेती हूँ। फाइल है मेरी न्यू, उसको मुझे सेव करना है। मैं जा रही हूँ जैम्प एचडी डॉक्स IMT21 में, और मैंने फाइल सेव की इनलाइन css.html। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक हाउ टू सेव फाइल ये प्रोसीजर समझा नहीं है, आज भी मुझे 2-3 मैसेजेस आए थे। तो गाइज इट्स वेरी सिंपल स्टेप्स, मैंने पहले दिन ही आपको सिखाया है, मे बी आपने मिस किया होगा वो सेशन। तो जब भी आप फाइल सेव करते हो और आप जैम यूज कर रहे हो, ओके आप अगर जैम यूज कर रहे हो और आपको फाइल सेव करना है, तो वेयर टू सेव द फाइल, देखो मेरा सी ड्राइव पे जैम्प इंस्टॉल है, ओके तो मैंने सी ड्राइव में जैम्प में गई। जैम्प में जाने के बाद मैं एचटी डॉक्स फोल्डर मैंने फोल्डर में गई। एचटी डॉक्स में मैंने एक फोल्डर बनाया विच इज IMT21, एंड IMT21 में मैंने एक फाइल सेव की है। लाइक मैंने बहुत सारे फाइल्स यहाँ पे सेव किए, वैसे ही अभी मैं इनलाइन CSS परफॉर्म करने जा रही हूँ, तो मैंने लिया इनलाइन CSS.html, ओके अभी मुझे इनलाइन CSS को परफॉर्म करना है, इसके लिए मैंने स्टार्ट किया HTML। अभी आप जो CSS अप्लाई कर रहे हैं वो आपको CSS अप्लाई करना है, फिर भी आपको फाइल जो सेव करनी है वो .html एक्सटेंशन से ही फाइल सेव करनी है, क्योंकि आप CSS अप्लाई कर रहे हैं ऑन टू द HTML एलिमेंट्स, ओके HTML के जो एलिमेंट्स है उसके ऊपर आप फाइल सेव कर रहे हैं, इसलिए हम लोग फाइल सेव करेंगे यूजिंग HTML एक्सटेंशन। अभी इनलाइन CSS मतलब क्या, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं सबसे पहले कुछ कंटेंट यहाँ पे ले रही हूँ जो मुझे रिक्वायर्ड है। ओके मैं दो पैराग्राफ भी ले रही हूँ, मुझे दो पैराग्राफ भी चाहिए फॉर एग्जाम्पल। ये मैंने दो पैराग्राफ लिए, ओके नाउ आई एम परफॉर्मिंग फर्स्ट इनलाइन CSS, इसलिए मैंने इसको टाइटल को भी नाम दे दिया इनलाइन CSS। मैं यहाँ पे एक div ले रही हूँ, div टैग, उसको भी मैंने नाम दे दिया इनलाइन CSS। Okay, now I am giving the first CSS which is inline CSS to every part. Okay, for example, अगर मैं inline CSS perform कर रही हूँ तो मैं ये division एक मेरा HTML का element हुआ, H1 ये और एक मेरा HTML का element है, ये दूसरा वाला HTML element है, paragraph भी is also one of the one HTML element. So जितने भी मेरे बॉडी पार्ट में H1 के एलिमेंट है उसको एवरी लाइन को मैं एक डिफरेंट CSS अप्लाई कर सकती हूँ, ओके तो वो कैसे करना है देखो,
द मेन थिंग इज दैट फॉर एग्जाम्पल मुझे div में देना है css, तो मैं सबसे पहले यूज करूंगी स्टाइल टैग. ओके, एवरी टाइम मुझे क्या यूज करना है, स्टाइल टैग. स्टाइल टैग जब भी आप css परफॉर्म करते हो तो ये स्टाइल टैग कंपलसरी है. स्टाइल टैग में ही आपको सारी css की जो प्रॉपर्टीज है वो यूज करनी है. ठीक है, तो मैंने अभी div स्टाइल लिया और वहां पे मैं सेट कर रही हूँ कलर. फॉर एग्जाम्पल कलर मैंने लिया ग्रे. ओके, नाउ फॉन्ट, मैं फॉन्ट साइज दे रही हूँ उसको. फॉन्ट साइज फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 15 पिक्सल. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने ये जो डिविजन है इसको डायरेक्टली स्टाइल टैग अप्लाई किया और जो जितने भी प्रॉपर्टीज मुझे उसको अप्लाई करने मैं दे रही हूँ यूजिंग सेमी कोलन. मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई की कलर एज अ ग्रे, उसके बाद मैंने सेमी कोलन दिया, फिर से मैंने और एक सेकेंड प्रॉपर्टी अप्लाई की, उसके बाद फिर से मैंने कोलन दिया, स्पेस देके मैं फिर से और एक प्रॉपर्टी दे रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर अभी मैं जो दे रही हूँ वो है ओके. तो आप देख सकते हैं कि मैं सिंपल डिविजन को मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकती हूँ. बट द मेन मीनिंग ऑफ इनलाइन सीएसएस इज दैट कि आप एवरी लाइन को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हो इन इनलाइन सीएसएस. एंड द सेकेंड थिंग, आप लाइन के अंदर सीएसएस अप्लाई कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल मुझे ये एच वन को देना है तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली स्टाइल टैग अप्लाई किया. ओके, उसके बाद मुझे ये लाइन को देना है तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई किया. तो ये जो मैं लाइन बाय लाइन सीएसएस अप्लाई कर सकती हूँ एवरी कंटेंट को, इसे हम लोग बोलते हैं इनलाइन सीएसएस. क्लियर है व्हाट इज मीन बाय इनलाइन सीएसएस? यस गाइस, फिर से मैं यहाँ पे दे रही हूँ स्टाइल, सॉरी फॉन्ट. यहाँ पे मैंने दिया कलर येलो. ओके, तो आप देख सकते हैं मैं एवरी थिंग को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल अप्लाई कर रही हूँ. फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये पैराग्राफ है, या पैराग्राफ को भी मुझे बैकग्राउंड कलर सेट करना है, मैंने बैकग्राउंड कलर सेट किया. वैसे सीएसएस के बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, आप उसको गूगल करके आपको सीएसएस में एवरी फील्ड के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी मिलेगी. लाइक टेबल के लिए अलग, इमेजेस के लिए अलग, उसके बाद हम लोग जो पैराग्राफ ले रहे हैं उसके लिए अलग, डिविजन के लिए अलग, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो ऐसे मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज अप्लाई की है. अभी मैं ये फाइल सेव कर रही हूं और एक बार हम लोग पैराग्राफ को भी दे देंगे स्टाइल कलर बोल्ड कलर. ओके, मैंने सब लाइन बाय लाइन सीएसएस अप्लाई किए. आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ को देना था तो यहाँ पे दिया, ये पैराग्राफ को देना था तो यहाँ पे दिया. तो जैसे हम लोग एवरी लाइन पे डिफरेंट डिफरेंट सीएसएस अप्लाई करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इनलाइन सीएसएस. ठीक है, अभी ये फाइल में सेव करके इसका आउटपुट आपको दिखा रही हूँ. सबसे पहले
तो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं अभी इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस का हम लोग आउटपुट देखेंगे। मेरी फाइल रन कर रही हूँ, लोकल होस्ट स्लैश IMT21। IMT21 में मेरा जो फाइल है वो है इनलाइन सीएसएस। देखो आप देख सकते हैं जहां पे मैंने जो कलर अप्लाई किया था, बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया था, वो मुझे यहाँ पे मिल गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? व्हाट इज मीन बाय इनलाइन सीएसएस? यस गाइस, क्लियर है? ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज इंटरनल सीएसएस। ठीक है, अभी मैं क्या कर रही हूँ, न्यू फाइल ले रही हूँ, उसको मैं पहले सेव करती हूँ। उसको नाम दूंगी मैं इंटरनल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस डॉट एचटीएमएल। ये जो मेरी फाइल है इसको मुझे अभी सेव करना है। अभी मैं फिर से यहाँ पे जो कंटेंट मैंने दिए वही कॉपी करती हूँ, बॉडी में जो भी मैंने यूज किया है। ठीक है, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया। ये मैं मेरी बॉडी में पेस्ट कर रही हूँ। बस अभी मैं क्या करूंगी, फिर से अभी मुझे इंटरनल सीएसएस परफॉर्म करना है। देखो हाँ, इसमें डिफरेंस है। इनलाइन इज टोटली डिफरेंट एंड इंटरनल सीएसएस इज टोटली डिफरेंट। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो स्टाइल टैग मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था वो सारा मैं रिमूव कर रही हूँ। क्योंकि अभी मुझे जो परफॉर्म करना है वो है इंटरनल सीएसएस। ठीक है, मैंने वो फिर से पहले जैसा कर दिया। ओके 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 ओके, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके, ओके, नाउ विजिबल। तो मैंने बस कुछ नहीं किया है, मैंने बस मैंने जो इनलाइन सीएसएस में डेटा लिया था वही यहाँ पे इंटरनल सीएसएस नाम की एक फाइल बनाई, उसमें कॉपी पेस्ट किया। और जो मैं यहाँ पे सीएसएस मैंने सारी जगह अप्लाई किया था वो सीएसएस मैंने जस्ट रिमूव कर दिया, बिकॉज नाउ आई वॉन्ट टू अप्लाई इंटरनल सीएसएस। ठीक है, अभी इंटरनल सीएसएस में हम लोग क्या करते हैं? तो सबसे मेन पार्ट जो है वो है इंटरनल सीएसएस में, कि हम लोग इंटरनल सीएसएस में स्टाइल अप्लाई करते हैं इन द हेड सेक्शन। ओके, जो भी सीएसएस मुझे अप्लाई करना है वो सब मैं अप्लाई करूंगी इन द हेड सेक्शन। अभी हेड सेक्शन में मुझे ये जो मेरा डिवीजन है ये डिवीजन को कुछ तो भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली कॉल किया, डिव डिव में मैंने दिया करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट में मैंने दिया बैकग्राउंड कलर पिंक। ओके, ये हुआ मेरा डिवीजन के लिए। यही ध्यान में रखो, इनलाइन सीएसएस मतलब मैंने एवरी जगह लाइन बाय लाइन अप्लाई किया था। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस में मैं जो भी सीएसएस अप्लाई करूंगी वो सब हेड सेक्शन में करेंगे। ओके, तो ये हेड सेक्शन में मैंने स्टाइल टैग ओपन किया, स्टाइल टैग मैंने क्लोज किया। अभी मैंने जितने भी एचटीएमएल एलिमेंट यहाँ पे लिए हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक डिवीजन लिया है, दो बार H1 लिया है, दो बार पैराग्राफ लिया है, इसको सबको मुझे सीएसएस अप्लाई करना है। ओके, तो डिव का तो हो गया, अभी नेक्स्ट मैं करने जा रही हूँ पैराग्राफ। अभी मुझे ये बताओ कि अगर मैं पैराग्राफ को अप्लाई कर रही हूं तो ये दोनों पैराग्राफ को अप्लाई हो जाएगा ना? यस गाइस, मैं अगर पैराग्राफ कॉल कर रही हूं तो ये दोनों पैराग्राफ को अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बट आई डोंट वॉन्ट टू अप्लाई सेम कलर टू बोथ पैराग्राफ, देन वॉट आई कैन डू?
अगर मुझे दोनों पैराग्राफ को सेम कलर नहीं देना है तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ? गिविंग आईडी, क्लास आईडी, वेरी गुड, क्लास क्लास आईडी, यस वेरी गुड। तो हम लोग उसे क्या अप्लाई कर सकते हैं, एक तो हम लोग उसे आईडी अप्लाई कर सकते हैं या एक तो हम लोग उसको क्लास अप्लाई कर सकते हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो चलो आई एम गिविंग, यहाँ पे मेरे पास दो पैराग्राफ है तो मैं ये दोनों पैराग्राफ को एक डिफरेंट डिफरेंट क्लास अप्लाई करती हूँ। सबसे पहले ये पैराग्राफ है मेरा, ये पैराग्राफ को मैंने एक क्लास अप्लाई किया, ये आप कौन से भी नाम से रख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल पीपी, एंड अगेन इसको भी मैंने क्लास दिया, इसको नाम दिया पीपीपी। ओके ये हुए मेरे क्लास, बट अभी मुझे ये क्लास के जो नेम्स है ये नेम्स मुझे ऊपर कॉल करने, ठीक है? तो मैं जब मैं क्लास यूज कर रही हूँ तो मैं यूज करूंगी यहाँ पे डॉट पीपी। ओके वो क्लास में कॉल कर रही हूँ ऊपर, अगर मुझे वो क्लास ऊपर कॉल करना है तो मैं यूज करूंगी डॉट पीपी। ओके और उसके अंदर मुझे जो भी प्रॉपर्टीज सीएसएस के अप्लाई करने, वो सारी प्रॉपर्टीज में सीएसएस के अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर से मैं जा रही हूँ सेकेंड पार्ट पे, सेकेंड पार्ट जो है वो है अगेन डॉट पीपीपी। इसको भी मुझे एक सॉरी इसको भी मुझे अभी एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया फॉन्ट, फॉन्ट साइज 15 pixels, 20 pixels। उसके बाद फिर से मैं ले रही हूँ कलर ग्रीन, उसके बाद फिर से फॉन्ट फैमिली, ओके तो मैं ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी एक एक एलिमेंट को अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है? अभी मेरे पास है बॉडी, बॉडी को मुझे ऊपर कॉल करना है तो मैं बॉडी को डायरेक्टली कॉल कर सकती हूँ या उसे भी मुझे क्लास या आईडी कुछ अप्लाई करना पड़ेगा? यस व्हाट यू फील, बॉडी को भी मुझे कुछ तो भी अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अप्लाई करना है बॉडी के लिए बैकग्राउंड इमेज, तो हाउ आई कैन कॉल, डायरेक्टली कॉल करना है? पूर्वा आर यू कॉन्फिडेंट? कृष्णा, कृष्णा महत्रे डायरेक्ट कॉल, ओके वेरी गुड। व्हाई डायरेक्टली कॉल करना है, मींस मुझे नहीं समझा व्हाई डायरेक्टली कॉल करना है मुझे। ये तो मुझे समझा, यस वेरी गुड सत्यम ब्राह्मण कर, बॉडी इन ओनली वन इन अ प्रोग्राम, वेरी गुड निकिता। क्योंकि बॉडी जो है, बॉडी जो टैग आने वाला है हमारे एक फाइल में, वो ओनली वन टाइम आने वाला है, राइट? वो एक ही बार हमारे कोड में आएगा। इसलिए हमें क्या करना है, बॉडी डायरेक्टली कॉल करना है, देर इज नो नीड ऑफ क्लास, देर इज नो नीड ऑफ आईडी, ओके? बिकॉज वो एक ही टाइम आता है, वेरी गुड। तो नाउ आई एम मैं अभी दे रही हूं बॉडी को कुछ तो भी सीएसएस हम लोग अप्लाई करेंगे, इसलिए मैंने बॉडी कॉल किया। मैं यहाँ पे दे रही हूँ बैकग्राउंड इमेज, अभी बैकग्राउंड इमेज देना है मुझे तो मैं लूंगी यूआरएल, यूआरएल में मैं बॉडी बैकग्राउंड इमेज सेट कर रही हूँ। अभी मेरे पास जो फोल्डर था वो था इमेजेस, इमेजेस नाम का फोल्डर है IMT21 में, उसमें मेरी IMG2 नाम की इमेज है, ठीक है? तो मैंने डायरेक्टली कॉल किया बैकग्राउंड इमेज, इमेज यूआरएल, ओके?
उसके बाद मुझे फिर से मेरे पास ड्यू भी है, ठीक है, तो मैं ड्यू को कॉल कर रही हूँ। ड्यू भी मेरे पास अभी तो फिलहाल एक ही है, राइट। तो मैं ये ड्यू को बॉर्डर सेट कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये डिव है, ये डिव को मुझे बॉर्डर सेट करना है, तो मैं अप्लाई करूंगी। बॉर्डर, और बॉर्डर मुझे देना है 2 पिक्सेल, मैंने दिया 2 पिक्सेल, ठीक है। नेक्स्ट, मेरे पास एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ को हम लोग और कुछ अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसको मुझे यहाँ पे भी मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है, और मैंने लिया बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल में आप डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। बॉर्डर स्टाइल में है डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रीड, इनसेट। सो डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल है। मैं अभी यहाँ पे दे रही हूँ सॉलिड। ओके, ये सॉलिड दिया। उसके बाद मैं और एक चीज दे रही हूँ उसको, बॉर्डर की भी विड्थ में सेट कर सकती हूँ। तो मैंने बॉर्डर की विड्थ मैंने सेट की, फॉर एग्जाम्पल 10 पिक्सेल। ओके, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी प्रॉपर्टीज उसको अप्लाई कर रहे हो। ओके, बॉर्डर को हम लोग कलर भी देंगे। चलो, ओके, आया समझ में। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी आप एक साथ लिख सकते हो, बस उसको सेपरेट आउट करना है यूजिंग सेमी कॉलन। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम लोग देख रहे थे इंटरनल सीएसएस। जब भी हम लोग इंटरनल सीएसएस अप्लाई करते हैं, तो वो हमें देना है हेड सेक्शन में, ठीक है। अभी मैंने क्लास का बता दिया कि अगर हम लोग क्लास यूज कर रहे हैं, क्लास अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको कॉल करना है डॉट ऑपरेटर। बट अगर मैं यूज कर रही हूँ आईडी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक है H1, जिसको मैं एक आईडी सेट कर रही हूँ। मेरा आईडी जो है वो है SS, एंड सेकेंड H1 भी है, उसको भी मैं आईडी सेट कर रही हूँ। वो आईडी है मेरा SSS, ठीक है। तो ऐसे 2 आईडी मैंने उसको सेट किए। अभी अगर मुझे वो H1 को कुछ तो भी CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो मैं ऊपर जाऊंगी और यहाँ पे मुझे अगर कॉल करना है, तो मैं यूज करूंगी हैश ऑपरेटर। ओके, जब भी मैं आईडी यूज करती हूँ, आईडी को अगर मुझे स्टाइल टैग में कॉल करना है, तो मैं यूज करूंगी हैश ऑपरेटर। तो मैंने लिया हैश, हैश में फिर से मैं प्रॉपर्टीज कुछ अप्लाई कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने H1 लिया है, इसलिए मैं H1 को दे रही हूँ ओके, सॉरी, यहाँ पे आएगा हैश एसएस, क्योंकि ये क्या है, आईडी है। अगर मैं आईडी कॉल कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लूंगी हैश एसएस, उसको मैंने एक कलर अप्लाई किया। फिर से मुझे सेकेंड जो मेरा आईडी है, उसको भी कुछ तो भी अप्लाई करना है, तो मैंने दिया हैश SSS, एंड यहाँ पे मैं ले रही हूँ बैकग्राउंड कलर, और वो मैं ले रही हूँ पिंक, ठीक है। तो ऐसे जब मैं क्लास यूज करती हूँ, तो मुझे यूज करना है डॉट ऑपरेटर। जब मैं आईडी यूज करती हूँ, तो मुझे यूज करना है हैश ऑपरेटर। ओके, और ये था मेरा इंटरनल सीएसएस। क्लियर है यहाँ पे? यस गाइस, इंटरनल सीएसएस आपको समझा है? ओके, सो कैन आई रन द आउटपुट?
आउटपुट रन करूँ, सिर्फ यस नो मत टाइप करो, कुछ डिफरेंट भी टाइप करते जाओ यार, मुझे वो यस यस देख के बोर हो रहा है अभी। यस मैम प्लीज रन द आउटपुट, ऐसे कुछ टाइप करो। ओके ओके चलो, तो आई एम ओके ओके थैंक यू। ओके तो चलो हम लोग अभी आउटपुट रन करके देखेंगे। ओके बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। क्या नहीं समझा रुत्विक आपको, व्हाट इज द इश्यू? सिंपल है गाइस, बहुत फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ। आगे देखो, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रही हूँ, कुछ भी नहीं, मैंने HTML के कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे लिए, कुछ टैग लिए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक H1 लिया, उसमें कुछ तो भी टाइटल दे दिया, सेकेंड था और दूसरा H1, उसमें भी मैंने और एक हेडिंग दे दिया, दो पैराग्राफ मैंने लिए है। ये जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ को मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्लास अप्लाई किए। व्हाई मैंने क्लास अप्लाई किए? फॉर एग्जांपल मुझे दो पैराग्राफ को दो अलग अलग कलर सेट करने, ओके और मैं यहाँ पे अगर डायरेक्टली पी कॉल करूंगी तो जो भी कलर मैं वहां पे सेट करूंगी वो दोनों पैराग्राफ को सेट हो जाएंगे। इसलिए मैंने क्या किया, वो बोथ पैराग्राफ को मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस अप्लाई किए। ओके अगर मैं उसको क्लास अप्लाई कर रही हूँ तो वो क्लास ऊपर मैंने कॉल किया, अभी मैं इंटरनल सीएसएस परफॉर्म कर रही हूँ। इंटरनल सीएसएस परफॉर्म करते टाइम हमें जो भी स्टाइल अप्लाई करना है वो सब हमें लिखना है हेड सेक्शन में, तो इसलिए मैंने हेड सेक्शन में यहाँ पे स्टाइल टैग ओपन किया, नीचे स्टाइल टैग क्लोज किया है। उसके बाद एक डिवीजन लिया था, वो डिवीजन को मैंने एक बैकग्राउंड कलर सेट किया था। उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास दो पैराग्राफ है, वो दो पैराग्राफ को मैंने दो क्लासेस अप्लाई किए, एक क्लास था पीपी क्लास एंड द सेकेंड वन इज पीपीपी क्लास। ओके अभी ये पीपीपी, ये जो फर्स्ट क्लास है पीपी, उसको मैंने कॉल किया एज अ डॉट पीपी, उसको मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज अप्लाई की है। आपको जितने प्रॉपर्टीज अप्लाई करने हैं उतने आप अप्लाई कर सकते हो। यू कैन स्टडी फ्रॉम गूगल, ओके गूगल पे जाके हाउ मेनी सीएसएस प्रॉपर्टीज आर अवेलेबल, यू कैन स्टडी ऑन दैट। ओके मैं सारे तो नहीं कवर कर पाऊंगी, इसलिए मैंने आपको अप्रोच सिखाया है कि देखो गाइज ये ऐसे ऐसे होता है, ये इंटरनल है, ये इनलाइन है, इसको आईडी बोलते हैं, इसको क्लास बोलते हैं, एंड हाउ टू यूज इट, ये मैं आपको सिखा रही हूँ। बट इफ यू वॉन्ट टू गो इन अ वेरी डीप, देन यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट, टेक प्रॉपर्टीज फ्रॉम इंटरनेट एंड ट्राई टू अप्लाई देम। ओके सो यहाँ पे फिर से मैंने लिया डॉट पीपीपी ऑपरेटर, सॉरी डॉट पीपीपी क्लास, डॉट पीपीपी में मैंने लिया डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जैसे मैंने पैराग्राफ को क्लास अप्लाई किया था वैसे ही मैंने मैंने जो दो H1 लिए हैं वो H1 को मैंने आईडी सेट किए हैं। तो आईडी, फर्स्ट आईडी है मेरा SS आईडी एंड सेकेंड जो आईडी है वो है SSS आईडी ट्रिपल एस। तो जब मैं आईडी कॉल करती हूँ ऊपर स्टाइल टैग में, तो आईडी कॉल करने के टाइम मुझे यूज करना है हैश। ओके इसलिए मैंने हैश कॉल किया दोनों जगह एंड उसको भी एक डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज मैंने अप्लाई की है। ठीक है यहां तक क्लियर है? ओके चलो सो करू प्रोग्राम रन, अभी क्लियर है आपको? ओके चलो तो मैं अभी प्रोग्राम रन कर रही हूँ। ओके
तो यहाँ पे मैंने दिया इंटरनल सीएसएस डॉट एचटी इंटरनल सीएसएस डॉट एचटीएमएल देखो दिख रहा है आउटपुट। हमने जो जो भी अप्लाई किया था वो हमें एज आउटपुट में मिल गया, राइट? यस। देखो मैंने दो पैराग्राफ लिए थे, वो पैराग्राफ को हमने डिफरेंट डिफरेंट कलर, बैकग्राउंड कलर, कलर सेट किया था। ये पैराग्राफ को मैंने बॉर्डर भी सेट की थी, सॉलिड बॉर्डर, उसको ग्रीन कलर दिया था बॉर्डर को। तो ये है हमारा इंटरनल सीएसएस का आउटपुट। क्लियर है? आया समझ में इंटरनल सीएसएस? बैकग्राउंड इमेज इज नॉट डिस्प्ले ना? ओके ओके, लेट मी चेक। मे बी द पाथ इज रॉन्ग आई थिंक, सो लेट मी चेक। या राइट राइट, मैंने कुछ कभी गलत टाइप किया होगा। img2 इमेज का नाम था बट img2.png, उसका एक्सटेंशन है img2.png। एक मिनट, इमेजेस नाम का ही फोल्डर है ना मेरा, एक मिनट मैं चेक कर रही हूँ, एक मिनट। फोल्डर का नेम मे बी गलत हो रहा है, लेट मी चेक। अरे यार ठीक है, एक मिनट है, वहां पे इमेजेस नाम का फोल्डर ही नहीं है, वो डिलीट हो चुका है शायद, इसलिए वो नहीं दे रहा है पाथ। मैं एक इमेज उसमें डाल देती हूँ क्योंकि मैंने पाथ तो दे दिया बट सॉरी। यस यस यस, शेयरिंग। यहाँ पे इमेजेस नाम का फोल्डर नहीं था, वो मैंने जस्ट क्रिएट किया, इसमें एक भी इमेज नहीं है, पहले मुझे इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो मैं एक इमेज पहले डाउनलोड करके लेती हूँ। ओके, अभी मैं जा रही हूँ फिर से कोड पे। मैंने वो इमेज जो मैंने डाउनलोड की उसको भी मैंने वही नाम रखा बट द एक्सटेंशन इज जेपीजी। सेव द फाइल, इमेजेस ही फोल्डर बनाया है वहां पे।
देखो आ गई बैकग्राउंड इमेज, एक्चुअली वो फोल्डर में इमेज ही नहीं थी इसलिए वो आउटपुट नहीं आ रहा था, तो ये से मैंने बैकग्राउंड इमेज एक सेट की थी, वो मेरे आउटपुट पे अप्लाई हो गई। ठीक है, क्लियर है अभी तक? यस, जो मैंने इंटरनल सीएसएस आपको बताया वो क्लियर हुआ है आपको? कैन आई मूव, जाना है आगे वाले सीएसएस पे? ओके चलो, अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है एक्सटर्नल सीएसएस। ओके, इनलाइन इंटरनल में क्या डिफरेंस है, चलो बताओ, एक्सप्लेन मी, रेज योर हैंड, आई विल गिव द चांस टू टॉक, रेज योर हैंड, कम ऑन। ये श्रेया, हेलो मैम, आई ऑडिबल ये ऑडिबल? मैम? ओके मैम, इन इंटरनल इन इनलाइन सीएसएस वी अप्लाई द सीएसएस स्टाइलिंग इन लाइन, लाइक सपोज इफ वी वांट टू अप्लाई इनलाइन सीएसएस टू अ पैराग्राफ देन वी विल गिव स्टाइल एट्रीब्यूट टू दैट पैराग्राफ ओनली ओके, एंड देन दिस विल अराइज प्रॉब्लम, लाइक वी विल नीड टू अप्लाई सीएस स्टाइलिंग फॉर ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट एंड सो बेटर ऑप्शन इज इंटरनल सीएसएस so that we can combine the attributes, combine the styling of attributes with the internal CSS. Like we can apply division, division classes and IDs. यस वेरी गुड। नेक्स्ट, यस परेश, अपराज परेश, यस परेश, यू कैन टॉक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एंड इंटरनल? मैम इनलाइन सीएसएस ही ना स्पेशल स्पेशल टैग मध्ये दिली जाते, म्हणजे एचटीएमएल च्या बॉडी मध्ये दिली जाते, आणि इंटरनल सीएसएस ही हेड टैग मध्ये स्टाइल टैग मध्ये लिहिली जाते. आणि इनलाइन सीएसएस आणि इंटरनल सीएसएस मध्ये सर्वात चांगली इंटरनल सीएसएस आहे, आणि इनलाइन इंटरनल आणि एक्सटर्नल सीएसएस मध्ये एक्सटर्नल सीएसएस पण चांगली आहे. ओके ठीक है, नेक्स्ट। यस ओमकार, वेर इज ओमकार? ओमकार सावंत, यस यू कैन टॉक ओमकार, एम आई ऑडिबल? तो यस ओमकार यू आर ऑडिबल? बेसिकली इनलाइन सीएसएस मीन्स वी कैन ऐड द एट्रीब्यूट्स एंड वेरियस थिंग्स इनसाइड अ सिंगल लाइन, एंड इन इंटरनल वी कैन क्रिएट इट अ सेपरेट सेक्शन इनसाइड द हेड टैग. बेसिकली इंटरनल सीएसएस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज इफ यू यूजिंग इनलाइन सीएसएस वी हैव टू ऐड एट्रीब्यूट्स टू एवरी सिंगल लाइन. सो ओके वेरी गुड, यस वेरी गुड। सो एज पर योर नॉलेज दैट यू आर सेइंग दैट द इंटरनल इज बेस्ट, राइट? यस. ओके ओके, यस थैंक यू ओंकार, वेरी गुड, योर आई आंसर इज वेरी करेक्ट। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट CSS type, which is external CSS, okay? तो अभी हमें देखना है external CSS। external CSS के लिए अगेन मैं सेम फाइल क्रिएट कर रही हूँ, उसका नाम आएगा, फाइल मैंने सेव की, external CSS dot HTML, ये है मेरी फाइल। अभी मैं यही कंटेंट यहां से ले रही हूँ जो भी मैंने बॉडी टैग में दिया है, ये सेम कंटेंट मैं यहां से उठा रही हूँ एंड पेस्ट हियर। ओके, अभी मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं ये सारी आईडी ये भी सेम रखती हूँ, ठीक है? चलो हम लोग ये भी सेम रखेंगे, बस अभी मुझे एक्सटर्नल सीएसएस अगर परफॉर्म करनी है तो एक्सटर्नल सीएसएस के लिए मुझे क्या करना है, देखो
एक्सटर्नल सीएसएस के लिए हम लोग एक सेपरेट सीएसएस के फाइल बनाते हैं। वो फाइल में एवरी एलिमेंट के लिए जो भी मुझे सीएसएस अप्लाई करना है वो सारे सीएसएस में सिर्फ वो जो डिफरेंट सीएसएस की फाइल रहेगी उसमें हम लोग लिखते हैं एंड वो फाइल मेरे मेन फाइल से लिंक करते हैं। ओके सो मैं आपको बाय प्रैक्टिकल दिखाती हूँ। तो मुझे एक्सटर्नल सीएसएस के लिए और एक फाइल लेनी है, बट नाउ अगर मैं एक डिफरेंट फाइल ले रही हूँ तो वो फाइल मुझे सेव करनी है एज अ डॉट सीएसएस एक्सटेंशन से। ठीक है, तो एवरी टाइम हम लोग एज अ डेवलपर हम लोग जब भी सीएसएस की एक सेपरेट फाइल बनाते हैं एक्सटर्नल सीएसएस की, तो उसको सेव करते टाइम हम लोग लेते हैं स्टाइल डॉट सीएसएस। ओके, वो फाइल को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टाइल डॉट सीएसएस। अगर मेरे प्रोजेक्ट में मैं बहुत सारे स्टाइल के फाइल्स बना रही हूँ तो मैं उसको नाम देती हूँ स्टाइल 1.css, स्टाइल 2.css, स्टाइल 3.css, बट हम लोग ज्यादातर स्टाइल नाम ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज अगर मेरा प्रोजेक्ट किसी और के हाथ में जाएगा तो सेम टाइम वो भी उसको भी समझेगा कि हाँ बाबा ये स्टाइल की फाइल है तो ये कौन सी है, एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल है, यहाँ पे सारे सीएसएस के कोड लिखे हुए हैं, राइट। तो मैं एवरी टाइम सीएसएस की फाइल स्टाइल डॉट सीएसएस से ही सेव करूंगी। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, जो भी मैंने इंटरनल सीएसएस में सॉरी एक्सटर्नल सीएसएस में मैंने जो भी आईडी क्लास डिव जो भी यूज किया है उसको मुझे सीएसएस अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल सबसे मैं पहले यूज कर रही हूँ डिव, सॉरी डिव मैंने कॉल किया, डिव कॉल किया, डिव को कॉल करके मैंने यहाँ पे दिया बॉर्डर, नेक्स्ट। अभी देखो अभी मैंने यहाँ पे स्टाइल टैग यूज किया क्या, नहीं, अभी ऑलरेडी मैं जो कर रही हूँ वो पूरा मैं सीएसएस के फाइल में काम कर रही हूँ, राइट। मैंने वो फाइल ही एज अ सीएसएस सेव किए, तो यहाँ पे मुझे फिर से स्टाइल टैग लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं डायरेक्टली क्या करूंगी, जो भी मेरे HTML के एलिमेंट्स है, जो भी मेरे HTML के सिलेक्टर्स है, वो सिलेक्टर मैं डायरेक्टली कॉल करूंगी एंड उसको डायरेक्टली उसको CSS में अप्लाई करूंगी। ठीक है, तो मैंने div को अप्लाई किया है, अभी मैं नेक्स्ट जा रही हूँ .pp को मैंने सेट किया, नेक्स्ट है .ppp, नेक्स्ट जो है मेरा वो है आईडी, तो मैं आईडी को भी कुछ तो भी अप्लाई कर रही हूँ, आईडी को मैंने क्या नाम दिया था SS।
ओके फिर से हैश एस 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 उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ फॉन्ट ओके तो जस्ट मैंने फॉर एग्जांपल मैंने सबको एक 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 प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है ओके अभी ये हुई मेरे एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल चलो अभी मैं रन करती हूँ हाँ करूँ ना मैं रन प्रोग्राम मेरा यस रन करूँ प्रोग्राम यस वेरी गुड बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक एरर पता चल गया कि मैम हमने मेरी जो एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल है वही लिंक नहीं की है राइट यस वेरी गुड तो चलो अभी मुझे फाइल कैसे लिंक करना है बताओ कैसे लिंक करूं ये फाइल इसको मैं सेव करती हूँ सेव कर दिया अभी मुझे उसको लिंकिंग करना है तो हाउ आई कैन लिंक द फाइल With my HTML file, link tag. Okay, very good. In a header section, हम लोग use करेंगे link href. वहां पे हम लोग नाम देंगे style dot css. उसके बाद मुझे यहाँ पे देना है रिलेशन ये जो रिलेशन है वो है स्टाइल शीट का रिलेशन उसके बाद स्टाइल शीट रिलेशन है उसके बाद मैं टाइप दे रही हूँ टाइप है सीएसएस टेक्स्ट ओके ये नहीं दिया तो भी चलता है नॉट नेसेसरी तो ये हुआ लिंक एच आर ई एफ में मैंने दिया है स्टाइल जो मेरी सी एस एस की फाइल है स्टाइल डॉट सी एस एस तो मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस लिखा उसके बाद रिलेशन दिया स्टाइल शीट अभी मेरी जो फाइल थी वो लिंक हो गई अभी मैं उसको रन कर रही हूँ ठीक है तो हम लोग आउटपुट देखेंगे अभी हम लोग देख रहे हैं एक्सटर्नल सीएसएस तो चलो यहाँ पे मैं दे रही हूं एक्सटर्नल CSS क्या हुआ एक मिनट फाइल मैंने सेव नहीं की शायद
देखो आ गया, फाइल सेव नहीं की थी मैंने, एक्सटर्नल लिंकिंग के बाद मैंने फाइल सेव नहीं की थी इसलिए वो मुझे आउटपुट नहीं दे रहा था। तो ये है मेरा, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट किया था, यहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे मैंने एक इमेज सेट की थी। तो ये हुआ मेरा एक्सटर्नल सीएसएस। क्लियर है एक्सटर्नल सीएसएस? सो अब मुझे बताओ विच सीएसएस इज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड विच सीएसएस मस्ट वी कैन यूज, एक्सटर्नल सीएसएस। यस, व्हाई व्हाई एक्सटर्नल? चलो रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। नाइक, अनुष्का, ओके अनुष्का, यस यू कैन टॉक। हेलो मैम। यस अनुष्का यू कैन टॉक, जस्ट फर्स्ट गिव योर नेम, योर कॉलेज नेम एंड देन गिव मी आंसर। ओके नाउ फॉलो द सेम, ओके। Yes, जब मैं आंसर पूछूंगी आपको अलाउ करूंगी टॉक करने के लिए, तो फर्स्ट आपका नाम, आपका कॉलेज का नाम बताओ एंड देन स्टार्ट द आंसर। यस मैम, माय सेल्फ नाइक अनुष्का बाड़ासाहेब फ्रॉम केके वाक पॉलिटेक्निक। एक्सटर्नल सीएसएस इट इज इजी टू हैंडल बिकॉज द वी लिंक द सीएसएस फाइल, so it is separate from that of the html file, so if we are working in a team, so other team members can handle that properly and the main html structure will not be that much disturbed and it will look convenient. Okay, very good Anushka. Okay, next ऋषिकेश मुकावर। यस ऋषिकेश यू कैन टॉक। हेलो। यस मैम। यस ऋषिकेश यू कैन टॉक। मैम माय सेल्फ मुका ऋषिकेश बालकृष्ण एंड आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक औरंगाबाद एंड आंसर इज इफ वी वांट सम ऑफ द चेंजेस इन आवर वेब पेज देन वी कैन चेंज अ सिंगल फाइल देन ऑल अफेक्ट देन द web page automatically gets affected. We need to change only one file. Yes, very good. We can. It is best. Okay, good. Good, Rishikesh. Next. अभी मेरे question थोड़ा अलग है। आदित्य काय? Yes, आदित्य. The question is, the question is, what is the difference between inline, internal and external CSS? Okay, and what is the difference between ID and class? Chalo, give me answer. Ma'am, inline CSS is, ma'am, we can put the system. Hello, ma'am. Yes, you're audible. Give me answer. Ma'am, in external CSS, we can use. Marathi bolu shakto Aditya, tula problem asel tar. Aditya, bol. Yes, Aditya. Okay. Next. चलो बाकी students भी answer देने के लिए try करो, raise your hand. Same students continuously raise कर रहे hand. चलो बाकी भी student raise your hand. Nikita Kotkar. Yes, Nikita. Nikita? Hello. Difference between inline, internal and external. In inline CSS मध्ये आपण प्रत्येक लाईन वर स्टाइलिंग करतो
आणि इंटरनल मध्ये आपण आपल्या प्रोग्राम मध्ये दोन पॅरेग्राफ असतील तर आपण दोघ पॅरेग्राफला एकाच वेळी स्टाईल करू शकतो इंटरनल सीएसएस यूज करून. आणि एक्सटर्नल मध्ये आपण डॉट सीएसएस ची वेगळी फाईल घेतो आणि ती फाईल आपण वेगवेगळ्या प्रोग्राम मध्ये सुद्धा लिंक करू शकतो. आणि आयडी आणि क्लास म्हणजे क्लास जर यूज केला आपण तर आपण डॉट डॉट हे ऑपरेटर यूज करतो आणि जर आयडी यूज केलं तर आपण हॅश यूज करतो. ओके व्हेरी गुड. ओके यु आर कॉलेज निकिता गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक जळगाव. गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक जळगाव यस व्हेरी गुड. तो ये सब थे डिफरेंस बिटवीन इनलाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सीएसएस. ओके इनलाइन सीएसएस में हम लोग एवरी लाइन को सीएसएस अप्लाई करते हैं इसलिए नॉट नेसेसरी टू गिव द क्लास नॉट नेसेसरी टू गिव द आईडी. ओके बट जब हम लोग इंटरनल सीएसएस अप्लाई करेंगे जब हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस अप्लाई करेंगे तब ये इम्पोर्टेंट है कि आप उसको आईडी प्रोवाइड करो या क्लास प्रोवाइड करो. बट हाँ द मेन थिंग इज दैट अगर आपके पूरे बॉडी पार्ट में पैराग्राफ 2, 3, 4 टाइम्स है तो जाके आपको उसको क्लास अप्लाई करना है. मतलब सेम एलिमेंट आपके बॉडी पार्ट में 2, 3 टाइम्स आ रहा है और उसको सबको आपको अलग अलग सीएसएस अप्लाई करना है तो आपको क्लास देना या आईडी देना इम्पॉर्टेंट है. ओके बट अगर बॉडी है बॉडी जैसे आपके इसमें एक ही बार आता है तो वहां पे आपको ना आईडी देना है ना क्लास देना है. वहां पे आप डायरेक्टली उसको कॉल करके जो भी प्रॉपर्टीज उसको अप्लाई करनी है वो प्रॉपर्टीज आप उसको अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है तो ये था पूरा इनलाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सीएसएस में डिफरेंस. ओके एक्सटर्नल सीएसएस मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यूज करते हैं जैसे आपको आपने बताया कि एक्सटर्नल सीएसएस अगर मॉडिफाई करना होगा तो वो हमें ईजी जाता है बिकॉज कभी कभी ऐसे भी होता है कि क्लाइंट को पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किया उसको उसके पास प्रोजेक्ट चला भी गया एंड वो बाद में कभी भी आके बोलता है कि नहीं ये इमेज चेंज करवा के दो नहीं इसका फॉन्ट ही अलग दो इसका ये अलग करके दो वो अलग करके दो. तो देखो गाइज एक एक प्रोजेक्ट में कभी कभी 100+ फाइल्स होते हैं हमारे राइट. तो ये 100+ फाइल्स हम लोग ओपन करके उसको मॉडिफाई करेंगे क्या? नहीं. तो इसीलिए अगर आपके पास बहुत सारे फाइल्स है एंड आपको किसी ने चेंजेस दिए रिलेटेड टू फॉर्मेटिंग तो आप इजीली एक्सटर्नल सीएसएस फाइल जो है मतलब उसको हम लोग स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल बोलते हैं वो फाइल आप ओपन करो उसको मॉडिफाई करो एंड योर कोड विल गेट अपडेट. ओके तो इसलिए हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सटर्नल सीएसएस ही अप्लाई करते हैं. ठीक है तो ये था आज का सेशन इनलाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सीएसएस. ओके सो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा. अभी आपको प्रैक्टिस में क्या करना है आपके लिए आज का टास्क है. अभी तक हम लोगों ने HTML के सारे टैग्स देखे थे राइट बेसिक ये फॉर्मेटिंग के टैग. उसके बाद हमने इमेज देखा उसके बाद हमने टेबल देखा. तो यहाँ पे सारी जगह आपको सीएसएस अप्लाई करके देखना है. आप ऐसे भी कर सकते हो दो पेजेस इनलाइन सीएसएस अप्लाई करके देखो दो पेजेस डिजाइन करो HTML में उसमें इंटरनल सीएसएस अप्लाई करके देखो एंड और दो पेजेस यूज करो उसको एक्सटर्नल सीएसएस अप्लाई करो. ठीक है तो ये सारा आपको टास्क है जो आपको अभी प्रैक्टिस में कंप्लीट करना है. ठीक है नेक्स्ट हम लोग जाएंगे Q&A पे. रिलेशन एट्रीब्यूट का मीनिंग है हम लोग उसको रिलेशन बताते. दिस इज नॉट कंपल्सरी हम लोग उसका सिर्फ रिलेशन बताते बिकॉज हम लोगों ने HTML की फाइल एक सेपरेट फाइल बनाई थी ऋषिकेश एंड CSS की जो फाइल थी वो डिफरेंट बनाई थी राइट. तो मैं CSS की फाइल को मतलब style.css की फाइल को मैं मेरी HTML की फाइल के साथ लिंक कर रही हूँ. तो मैंने लिंक किया तो मैं उसको वो भी बता रही हूँ का द रिलेशन बिटवीन दिस टू फाइल्स आर स्टाइल शीट क्योंकि वो HTML की फाइल है एंड ये जो मैं इसके साथ अप्लाई कर रही हूँ ये मेरी स्टाइल शीट की फाइल है. तो दैट्स व्हाई आई यूज REL रिलेशन
रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट. ठीक है, सबके क्वेश्चंस आए एंड मैम कैन वी नेम द टैग फॉर एग्जाम्पल एच वन नेम इज इक्वल टू देखो आप ऐसे नाम मत दो उसको जो आपके ऑलरेडी एज अ टैग यूज हो रहे हैं राइट. हेड हमारा ऑलरेडी एज अ टैग यूज होता है तो वहां पर एक एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है. कभी कभी आपका ब्राउजर आपके आउटपुट को सपोर्ट नहीं करता है. जब आप क्लास को आईडी को ऐसे नाम दे रहे जो ऑलरेडी हमारे टैग में है. ओके, हेड हमारा ऑलरेडी टैग है, एचटीएमएल हमारा टैग है, टी हमारा टैग है, तो वही टैग के नेम अगर आप किसी दूसरे एलिमेंट को एज अ क्लास और एज अ आईडी दोगे तो वो एक एम्बिग्यूटी क्रिएट होता है एंड इसका आउटपुट कभी कभी वो शो नहीं करता. कभी कभी मतलब वो शो ही नहीं होता है बहुत टाइम. तो इसलिए नाम देते टाइम क्लास के और आईडीज के थोड़े डिफरेंट दिया करो. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डिव एंड पी टैग. देखो डिव यानी कि डिविजन, वो आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा इन अ बूटस्ट्रैप. डिविजन टैग जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है बूटस्ट्रैप में. तो पैराग्राफ मतलब हम लोग उसको डायरेक्टली पैराग्राफ लिखते हैं. सेम डिविजन भी है बट डिविजन को हम लोग बूटस्ट्रैप में ज्यादा देखेंगे कि डिविजन को हम लोग बहुत टाइप में यूज कर सकते हैं. ओके, तो div टैग इज लाइक अ पैराग्राफ. उसमें भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने div लिया और div के अंदर आपने फिर से एक इमेज टैग ओपन किया तो आपका एक div मतलब आपका पूरे वेब पेज का एक पार्ट. ओके, आपने वो पूरे पेज को एक div में डिवाइड किया एंड वो div में आपको जो भी देना है वो आपने वहां पे दे दिया. तो वहां पे हम लोग div यूज करते हैं. ये div आपको बूटस्ट्रैप में और भी क्लियरली समझेगा.